क्यों अभी लगता है अभी थोड़ी देर रुक नाराज है नाराज हो गया ये मेरा है ना एक मेरा है ये मेरा है ये गेला को दो सुनानी रहन दे हालत को लार चकना खाली गिरे ये गेला को दो गेला हैप्पी लोरी हैप्पी लोरी आपको भी चंगमला लोरी टेस दिले लोरी टेस दिले लोरी टेस दिले लोरी टेस दिले तो पर आज मकर संक्रांति है लोहड़ी नानी हो गए नानी नानी लोहड़ी 13 को अच्छा लोहड़ी नानी ये अलग अलग है पहले घी डालो डालो घी खाते हैं नेपाल में कौन है नेपाल संक्रांति शकरकंद आलू घर तरु बन तरु खाने त्यो दिन चाहिँ आज हो अच्छा तरुल खाने दिन हिजो हिजो चाहिँ दही चिउरा खाने दिन दही चिउरा खाने दिन छ आप लोग भी खाते हैं दही खाते हैं हाँ खिलाएगा भी नहीं नहीं ऐसे पूछ रहे ऐसे पूछ रहे ए दही चिउरा खाने दिन हिजो हिजो आज तो त्यो सरकार रोकी के खाने आ लोहड़ी तो मनाते हैं ना अब सर्दी खत्म हो गया गर्मी का मौसम अब दिन लंबा हो गया है ना दिन बड़ा हो रहा है इसके लिए लोहड़ी मनाते हैं मकर संक्रांति अभी जो नीमा है ना सूर्य वो मतलब दक्षिण से पश्चिम की ओर आ रहे हैं जैसे पहले हम नीचे गए ना अब ऊपर आएगा इससे आप गर्मी का दिन आने शुरू हो गया इस खुशी में लोहड़ी मनाते हैं तो लोहड़ी में एक वो डंडा हाथ में डंडा लेके बच्चे लोग मांगता है ना वो कुछ बोलते हैं वो गाना क्या बोलते हैं उसमें वो गाना गाते हैं लोहड़ी का हिरण हिरण बोलते हैं हम हिरण गाने जाते हैं लोहड़ी मांगने जाते हैं तो लोग पहले अभी तो पैसा देते हैं ना पहले अनाज देता था अनाज गेहूँ चावल जो भी है वो तो लड़का लोग अपना खुशी दिल का खुशी से अच्छा अच्छा कल रात को लेते नहीं डंडा तो इसलिए लेता है ना कहीं गांव में कुत्ता होता है खाने वाला उसको भगाने के लिए रास्ते में कुछ मिल गया ऐसे डंडा कोई मतलब नहीं है हाथ में डंडा था ये डंडा दिया वो नहीं उसका मतलब नहीं है वो तो जैसे आप रास्ते में कोई मिल शायद अलग थी टिप्टियन में से गेला का ख्वाहिश पूरा हो रहा है आपकी फेसबुक में जो लाइव आते हैं ना हम रोज देखते हैं हम एक बार दबाते हैं कभी कभी तो दो बार दबाते हैं ओह तुसी से है ना दो बार दबाते हैं कभी कभी तो बहुत ऐसा क्या बोलता है आपका जो माहौल है ना माहौल जो दोस्त के साथ पार्टी उसके साथ पार्टी में पार्टी कर रहा होता है और अच्छी मूड में होते हैं और हंसी मजाक में होते हैं यही तो है जिंदगी साथ में बैठने का है ना यही जिंदगी असली ऐसे तो दिन रात काम कर रहा है तो आज तिब्बती में दो शब्द बोलना है आपका पहले रिहर्सल कर लेते हैं आपको क्या बोलना है काशी दिले गागे मिंग सुरेश जी सुरेश चौहान गागे मिंगला सुरेश सुरेश हां ठीक गागे मिंगला सुरेश चौहान गागे मिंगला सुरेश गागे मिंगला सुरेश चौहान रे अनि छमला टासी दिले छमला टासी दिले
आप तो मंदिर में बहुत बूढ़ा हो गया, बूढ़ा नहीं हुआ है बस इतना पर आ गए। हम लोग लाल पहनते हैं, आप फिलहाल लाल नहीं पहनते हैं, लेकिन आप लोग हम लोग साथ में बैठते हैं ना, जब मंदिर में सिखाता है सीखते हैं, है ना, बहुत से कुछ हम लोग देखते हैं वहाँ, महसूस करते हैं, गुरु जी भी कुछ बोलते हैं, है ना, और हम लोग को ऐसा करो ऐसा ना करो जो जिंदगी देता है ना। तो आज मेरी को एक सवाल है आपसे, पूछो पूछो, है ना। हम लोग तो मंदिर में रह के थोड़ा बहुत काम करते हैं, जो सिखाते हैं वो भी सीखते हैं, और जो हम खुद सीख गया वो भी थोड़ा सा सिखाते हैं, है ना। तो आपकी नज़र में ऐसा क्या है जो मंदिर में जो बच्चे लोग को क्या करना चाहिए, अभी जो स्कूल में छोटा छोटा बच्चा ज़्यादा है ना, जो उन लोग को पढ़ता है, तो वो उसका फ्यूचर कैसा देख रहा है आपका, जो अब मंदिर में है, अब सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो जो बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे लोग देखते हैं जो मंदिर के बेस में लामा के बेस में, तो आपको ऐसा क्या विचार आता है जैसे कि बच्चे लोग अच्छे कर रहे हैं या ऐसा करना चाहिए ऐसा कुछ। मेरे मन में तो ये विचार है, जब गुरुजी बच्चों को छोटे छोटे लाता है, है ना, उनको बड़े प्यार से पालता है, खाना खिलाता है, पढ़ाता है, है ना, पढ़ाने के बाद पूजा के लायक बनाता है, तो बच्चे लोगों को अच्छे से बैठना चाहिए मंदिर में, बच्चे लोग अच्छे से मंदिर में, मंदिर को तो उनको मतलब जब मंदिर इतना कर रहा है तो उनको इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मंदिर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, गुरु जी के लिए करना चाहिए, जो सोच के आना दिल में होना चाहिए कि मैं अपने गुरु जी के लिए अब कुछ करना है, पूजा पाठ में अच्छा बड़े खेम्बो बनो, लामा बनो, बाहर का जिंदगी कुछ नहीं है, ऐसे ही है जो लामा का जिंदगी है ना, वो सबसे बेस्ट है, बाहर का जिंदगी बहुत, बाहर का नहीं, बड़ा टफ जिंदगी है बाहर का। हाँ दीदी जी, बाहर का जिंदगी बहुत खूबसूरत होगा ऐसा लग रहा है हमको, बाहर का जिंदगी बड़ा जो ऐसे श्रेष्ठ माना जाता है गृहस्थ, जो मतलब बाहर का जिंदगी परिवार पालता है, बच्चों को पालेगा पढ़ा है, इसको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस जिंदगी में दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं, हर चीज़ आता है ना, पर सबसे बड़ी अच्छी लाइफ हम इतने दिन से देखते हैं, तो बैठ सके तो लामा बन के बैठना चाहिए, नेक्स्ट जन्म के लिए बहुत अच्छा है, पाप नहीं, 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 वो तो ठीक है, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम अभी जो मंदिर में बैठते हैं हम खुश हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो हम ऐसा लग रहा है बाहर का जिंदगी और ये तो एक ऐसा लड्डू है ना जो खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। ये कौन सा वाला लड्डू है? जो खा लिया वो तो पछता रहा है, अब जो नहीं खाया वो सोचे कि अरे मीठा है कड़वा है कैसे है। तो ये 10 साल 20 साल में जो आपका पहचान वाला है मंदिर में है, बहुत है अभी, अभी भी है? है, और अभी भी जो बहुत दूर गया हुआ है कैसे? हाँ कई बार चल, कई तो छोड़ के चले गए वो हमारी तरफ फैमिली लाइफ में आ गए। तो आपका क्या मैसेज रहेगा जो जो छोड़ गई, मेरा मतलब है वो लोग छोड़ के तो नहीं गया है, लेकिन किसी तकलीफ की वजह से किसी कारण की वजह से गया है, लेकिन फिलहाल हम लोग साथ में नहीं है, नहीं। तो आपके साथ में तो नहीं है, तो उन लोगों आपका क्या राय है? मेरा राय यही है, अब जिस लाइफ में गया है उसको अच्छा से जियो, अच्छा से काम करो, और हो सके तो मंदिर का सेवा करते रहो, मंदिर के साथ अटैचमेंट रखो। अच्छा अच्छा, कभी कभी मंदिर में आना जाना, मंदिर में फिर काम करना, सेवा करना, हेल्प होना चाहिए।